के रोबोट के चक्कर में हम लोगों की नौकरी चली जाएगी, फिर हम लोग क्या करेंगे। इसलिए ऊपर में आपको कोई भी वायर वगैरह, ओवरहेड वायर, पेंटोग्राफ, ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। छोटा सा हाथी का बच्चा भी है यहाँ पर। हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो अभी हम हैं बैंगलोर में और आज कुछ बेहतरीन एक्सप्लोर करने जा रहे हैं हम लोग। क्या भाई, बैंगलोर की मेट्रो में अभी रिसेंटली ऐसे सुनने में आया कि यहाँ पर एक रोबोट आया हुआ है जो कि पैसेंजर्स को असिस्ट करता है। अब भाई क्या है क्या नहीं, सही में है कि नहीं है, या फिर वो जो चीज़ें जो न्यूज़ वायरल हो रही है वो सब फेक है, वो सब पता लग जाएगा। अभी हम लोग आज जर्नी करने वाले हैं बैंगलोर मेट्रो में। वैसे बैंगलोर मेट्रो जो है उसको नम्मा मेट्रो कहा जाता है कन्नड़ में। नम्मा मेट्रो का मतलब होता है अवर मेट्रो। और बात की जाए अगर बैंगलोर मेट्रो की, तो ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ऑपरेशनल मेट्रो है आफ्टर दिल्ली। दिल्ली अभी भी फिलहाल नंबर वन पर है। साथ ही साउथ इंडिया की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो है और इसको इनॉग्रेट किया गया था इन ईयर 2011। तो भाई चलो फाइनली अभी हम हैं फिलहाल जिस लोकेशन पे, हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ से सीधा जाएंगे तो लेफ्ट हैंड पे पड़ेगा KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन और यहाँ पर अपना है मजेस्टिक बस स्टैंड और यहीं से जो मेट्रो स्टार्ट होती है आज हम लोग वहीं जाने वाले हैं। दिखा देते हैं आपको, ये रहा यहाँ का मेट्रो स्टेशन। चलो फिलहाल पहले ही हम ये ओवर ब्रिज से आए हैं, उस साइड में थे अभी इस साइड आए हैं, चलते हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ। वैसे बैंगलोर को आईटी हब तो कहा ही जाता है और यहाँ पर आपको ऐसे बैटरी स्वैप स्टेशंस मिल जाएंगे, एक दो और एक ये और बना हुआ है तीन। तो ये सारी फैसिलिटी तो आपको यहाँ पर मेट्रो स्टेशन के बाहर में ही मिल रही है भाई। तो आज हम पहली बार आए हैं नम्मा मेट्रो में और यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन। यहाँ से अभी हम लोगों ने एंट्री की है और यहाँ पर इसके टिकट्स वगैरह मिलते हैं, तो टिकट वगैरह लेते हैं। वैसे यहाँ पर व्हाट्सएप से भी आप टिकट ले सकते हो, जैसे कि अभी दिल्ली मेट्रो में आया है। चलो इसी से निकाल लेते हैं, इतनी लाइन में कौन लगेगा, देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा लाइन लगी हुई है। तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप से पूरा प्रोसेस करते हैं, हमने पूरा प्रोसेस कर दिया और ये लो अपना टिकट भी आ गया। और एक और चीज़ है कि जब आप इससे अपना टिकट बुक करोगे तो यहाँ पर मेंशन भी है 5% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, बट सामने काउंटर से लेने पे वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ऑनलाइन करने पे अपने को 5% डिस्काउंट मिला है और अपना टिकट भी हो गया। ये QR आप स्कैन करेंगे और बस एंट्री और एग्जिट दोनों इसी से होगा। ये रही एंट्री। अब आप सोच रहे होगे इससे कैसे होगा, ऐसे दिखाया लोग खुल गया और ये लो अंदर आ गए। वैसे आपको बता दें जो फेयर लग रहा है, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अभी फिलहाल केंगरी मेट्रो स्टेशन तक, ठीक है। और जो फेयर है लगभग 3600 रुपये हम लोगों ने पे किया है, 3600 रुपये यहाँ से केंगरी तक का, और 5% डिस्काउंट उसमें इंक्लूड है। वैसे हमारे ख्याल से होता होगा 41 रुपये के समथिंग या 40 रुपये के समथिंग, तो इतना हम लोगों को जो है डिस्काउंट मिल गया। बाकी अभी फिलहाल हम आपको बता दें तो नम्मा मेट्रो में सिर्फ दो ही रूट ऑपरेशनल हैं, एक जो लाइन है एक पर्पल लाइन और एक ग्रीन लाइन। और आज हम लोग जिस लाइन में ट्रेवल करने वाले हैं ये है पर्पल लाइन नम्मा मेट्रो की। सो फाइनली ये आ गई अपनी नम्मा मेट्रो। भाई साहब काफ़ी क्राउड है, मतलब मेट्रो के अंदर अभी अंदर आ गए हैं जस्ट मेट्रो के, और इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, बट क्राउड काफ़ी मिलेगा आपको यहाँ पर। आफ्टर ऑल इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क भी तो है, तो भाई यहाँ तो हो गई जैसे दिल्ली मेट्रो में रहती है भीड़ भयंकर, ऐसी पूरा एकदम फुल है, खड़े होने की मतलब आगे लोग ही नहीं दिख रहे हमको थोड़े दूर का, इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं, और बैठने की सीट तो छोड़ो ही। वैसे नम्मा मेट्रो जो है अंडरग्राउंड भी है और साथ में एलिवेटेड ट्रैक्स भी हैं। तो अभी हम लोग बाहर निकले हैं, वैसे अंडरग्राउंड था अभी अपना रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन, इसके बाद अभी बाहर निकले हैं। तो ये है ऊपर से व्यू, वैसे आज जो हम लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं मेट्रो में, तो हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं मेजेस्टिक बस स्टैंड से केंगरी तक, और बीच में लगभग 11 स्टॉप्स हैं अपनी इस मेट्रो के, 11 स्टॉप्स के बाद में पहुंचेंगे अपन लोग अपनी डेस्टिनेशन पे। बाकी यहाँ पर अनाउंसमेंट वगैरह जो है ना वो इंग्लिश और कन्नड़ में हो रही है, लेकिन हिंदी वगैरह में आपको अनाउंसमेंट नहीं मिलेगी। और यहाँ पर डिस्प्ले बोर्ड वगैरह जैसे होते हैं ना, मतलब नेक्स्ट हॉल्ट वगैरह जो शो होता है वो सब तो आपको होगा, गेट के ऊपर सब जगह लगे हुए। तो फाइनली अभी आ चुके हैं हम लोग अपनी डेस्टिनेशन आज की केंगरी मेट्रो स्टेशन। अपनी मेट्रो तो चली गई, यहीं उतर के बस अभी बैठे हुए हैं, एकदम शांति है यहाँ तो, एकदम सन्नाटा। और इधर फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है मेट्रो की, ऐसे दिल्ली मेट्रो में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, एक दो मिनट में आई जाती है, लेकिन यहाँ कई बार 7-7 मिनट 8-8 मिनट का जो है वेटिंग टाइम होता है। यहाँ पर डिस्प्ले उधर लिखा रहता है तो ऐसे पता लगा भाई, तो इधर पे थोड़ा सा डिफरेंस है, उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी नहीं है ट्रेन की। और बात करें रोबोट की, भाई इस रेलवे स्टेशन में ही सुनने में आ रहा था रोबोट वोबोट है असिस्ट करते हैं पैसेंजर को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, पूरा स्टेशन देख लिया हमने अभी आए, हम स्टेशन पूरा देख लिया तब जाके बैठ के हमने सोचा वीडियो बनाते हैं। यहाँ ऐसा कोई भी रोबोट अभी फ़िलहाल नहीं है। ये है पूरा मेट्रो स्टेशन केंगरी का, कोई रोबोट नहीं है यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ है, जिस मेट्रो स्टेशन से अभी हम लोग आए थे ना अपने मेजेस्टिक बस स्टैंड वाले, वहाँ पर एक मशीन ऐसी लगी हुई है, वो रोबोट ही है और वो कुछ वेंडिंग मशीन टाइप की है, ठीक है, उसमें चाय कॉफ़ी ऐसे कुछ मिलता है, और वो रोबोट वाली है, वो है रोबोट वहाँ पर।
तो चलो अभी यहाँ से जो है वापसी का टिकट लेते हैं और चलते हैं वापस, वहाँ पर देखते हैं भाई कि वाला रोबोट मिलता है कि नहीं। यहाँ तो टोटल अपने पास भाई धोखा हो गया। ऐसे ऑनलाइन मतलब इतने आर्टिकल्स या जो भी न्यूज़ वगैरह है ना, सब पे भरोसा करना भी ठीक नहीं है। हम तो खैर बेंगलोर आए हुए थे तो सोचा चलो एक्सप्लोर कर लेते हैं, अगर मिल गया तो ठीक है आप लोगों को दिखाएंगे, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो यही है भाई कि अभी फिलहाल तो यहाँ कोई रोबोट वोबोट नहीं है। अभी वापस से हमने व्हाट्सएप पे दूसरा टिकट कर लिया है वापस मेजेस्टिक बस स्टैंड के लिए। और अभी जब हम उतरे ना मेट्रो से तो कुछ यहाँ पर लेडी स्टाफ थी तो उनसे बातचीत हुई, कह रही क्या हो गया, कहाँ जाना आपको, ऐसा वैसा बताया। नहीं ऐसा सीन है ये रोबोट वाला, कह रही कि रोबोट के चक्कर में हम लोग की नौकरी चली जाएगी, फिर हम लोग क्या करेंगे, रोबोट ही इधर काम करेगा तो हम लोग क्या करेंगे। अम्मी नहीं नहीं सही बात है अम्मी, रहने दो साला, ऐसा रोबोट आना ही नहीं चाहिए, कोई काम का नहीं है। अम्मी लोगों की नौकरी नहीं जाएगी तो सही रहेगा, उन लोगों की नौकरी चली जाएगी, रोबोट के चक्कर में बाहर में गया साला ऐसा रोबोट। चलो अपन अब आ रही है मेट्रो, यहाँ से निकलते हैं वहाँ पे और देखते हैं चाय कॉफ़ी वाला जो मशीन है, जो रोबोट है, मतलब रोबोटिक मशीन है, जैसे नॉर्मली मशीन होती है बट वो कुछ रोबोट टाइप का बॉट करके ऐसा कुछ बनाया हुआ है लोगों ने। चलो उसको देखते हैं चल के है वो भी कि नहीं है। तो ये लो अभी हम आ गए दूसरी साइड, उतरे थे हम लोग वहाँ पर और यहाँ से जाएगी अपनी मजेस्टिक बस स्टैंड वाली मेट्रो जो कि व्हाइटफील्ड वाली है। व्हाइटफील्ड वाली मेट्रो लेनी अभी है, 2 मिनट का समय। तो ये तो अभी बस स्टैंड से आने वाली मेट्रो है। एक चीज़ है आपको इधर की मेट्रो में देखने को मिल जाएगा, ओवरहेड वायर्स नहीं है क्योंकि ये जो करंट और पावर का सप्लाई लेती है ना वो नीचे से ही लेती है, जो ट्रैक्स है ना इन्हीं में करंट होता है और इन्हीं से पावर का सप्लाई होता है। देख रो ये जो कनेक्टेड है ना ये वायर्स जो आपको दिख रहे हैं ये सब करंट डायरेक्ट सप्लाई करते हैं ट्रैक्स और व्हील्स के थ्रू, इसलिए ऊपर में आपको कोई भी वायर वगैरह ओवरहेड वायर पेंटोग्राफ ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी नम्मा मेट्रो के अंदर। तो ये लो भाई अपनी नम्मा मेट्रो आ गई है। बाकी एक चीज़ हमने जो बताई ना आपको कि ओवरहेड वायर्स नहीं है, ट्रैक्स पे ही रहता है करंट, इसी वजह से यहाँ का स्टाफ जो है लाइन के अंदर में ही रहने के लिए यहाँ पर गाइड करता रहता है। मतलब काफ़ी स्टाफ आपको स्टेशन पे ही मिल जाएंगे ऐसे जो यहाँ पर रहते हैं, आगे की साइड भी हैं गार्ड वगैरह जो कि गाइड करते हैं। चलो ऑटोमेटिक डोर्स हो गए ओपन, चलते हैं अंदर वापस। और बाकी भाई बेंगलोर मेट्रो पे हम देख रहे हैं तो कर्व वगैरह बहुत शार्प शार्प कर्व है, बहुत ज़्यादा राउंड लेती है ट्रेन। अभी देख रहे थे कितना तगड़ा कर्व था, ऐसे ही आपको काफ़ी सारे कर्व मिलेंगे यहाँ के मेट्रो की जर्नी में। अभी तक तो अपनी मेट्रो काफ़ी खाली थी लेकिन जैसे जैसे अब आगे बढ़ती जाएगी ना भीड़ भी एकदम बढ़ती जाएगी। ऐसे ही हुआ था आते टाइम जब वहाँ से चले तो भयंकर भीड़ थी, उसके बाद आते आते भीड़ जो है कम हो गई थी, वही आते जाते भीड़ कम ज़्यादा यहाँ पर होती है। और बाकी एक चीज़ है कि स्टाफ वगैरह यहाँ पर सेफ्टी का बहुत ध्यान रखता है, मतलब कि हमने बताया था ट्रैक्स पे जो है ना इलेक्ट्रिसिटी रहती है, इस वजह से सभी को गाइड करते हैं पीछे रहने को लाइन से, तो ये चीज़ सही है यहाँ पर मतलब। तो वापस आ गए मजेस्टिक बस स्टैंड वाले मेट्रो स्टेशन और भाई साहब यहाँ जितनी भीड़ होती है इतनी भीड़ किसी मेट्रो स्टेशन पर अभी तक देखने को नहीं मिली है। तो अभी नीचे से ऊपर आ गए भाई मेट्रो स्टेशन पे, यहाँ पर वैसे कुछ मशीन्स तो ऐसी लगी हुई हैं, ये तो नॉर्मल अपनी वेंडिंग मशीन जो होती है वैसी ही है जहाँ पर आप यहाँ पर एंटर करके और पेमेंट वगैरह करके चीज़ें ले सकते हो, सिलेक्ट करके इस तरह की वेंडिंग मशीन मिल जाएगी जिसमें कि केक बिस्किट कोल्ड ड्रिंक ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। वही वहाँ से हम बाहर आए और बाहर आते ही देखा हमने ले लो यहाँ तो बढ़िया हाथी वगैरह ऐसे रखे हुए हैं, हाथी के स्टैचू, एक ये हाथी और एक इसका बच्चा है जो भीड़ में खो गया बेचारा, तो हम आपको दिखाते हैं। तो ये रहा छोटा सा हाथी का बच्चा भी है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा आई लव इंडिया नम्मा मेट्रो, तो ये सारी चीज़ें भी मिलेंगी आपको यहाँ पर नम्मा मेट्रो में बेंगलोर में देखने के लिए। सो फाइनली हमको वाली मशीन तो मिल गई है जो बताया था हमने, ऑटोमेटिक रोबोट टाइप का है जो कॉफ़ी वगैरह देता है, इसका नाम है फ्रेश हॉट, ये है रोबोट फ्रेश हॉट, लेकिन इसको बंद कर दिया गया है, पता नहीं क्या चक्कर है भाई साहब, इसको पूरा रैप वैप करके और क्लोज कर दिया गया है इसलिए अब इसकी फैसिलिटी तो नहीं मिल रही, बाकी और स्टॉल्स वगैरह हैं यहाँ पर। तो अभी आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन के बाहर में और अभी भूख लग रही है, लंच भी नहीं किया हुआ है, तो चलो फटाफट से चलते हैं किधर पे रेस्टोरेंट है पास में ही, ठीक है यहाँ से होगा मुश्किल से 400-500 मीटर के समथिंग, और वहाँ पे हम पहले खाना खा चुके हैं तो काफ़ी बढ़िया लगा हमको, सादा सिंपल खाना मिलता है, चलते हैं वहाँ पर सीधा भाई लंच करते हैं। तो इस रेस्टोरेंट की हम बात कर रहे थे, राधा कृष्णा फूड कॉर्नर प्योर वेज, और ये जो है अपनी ना कॉटन पेट रोड है और इस साइड है अपना KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन और अपना मेट्रो स्टेशन, और बस यहीं से आप आओगे तो यहाँ पर ये शॉप आपको मिल जाएगी, मतलब रेस्टोरेंट मिल जाएगा, यहाँ पर आप खाना पीना ट्राई कर सकते हो। चलो अभी यहीं चलते हैं अपन लोग लंच करने के लिए। और यहाँ की खास बात ये लगती है हमको, अच्छी चीज़ ये लगती है साउथ में होने के बाद भी आपको इस तरीके की घर जैसी रोटी यहाँ मिल जाएंगी एकदम फूली फूली, वो भी घी लगा के। भाई ये है यहाँ की अपनी वेज थाली, इसमें रोटियाँ मिलेंगी आपको, रोटियाँ तो हमने दिखाई,
और साथ में घी नहीं बटर के साथ में मिलेगी। लास्ट टाइम हम आए थे तो शायद घी था, बट अभी बटर के साथ देना है। तो रोटियां एकदम गर्मा गर्म, साथ में सैलेड है, और आज जो है भिंडी की सब्जी है, छोले की सब्जी और दाल, वैसे चावल का भी ऑप्शन है। तो लंच अपना हो गया, और ये जो थाली थी ना ये थी 100 रुपए की, और काफी बढ़िया था, मतलब दाल वगैरह भी बढ़िया टेस्ट था, और रोटियां तो इतनी बड़ी बड़ी थी कि चार में ही हमारा पेट ही भर गया। उसके बाद थोड़े से चावल लिए थे, और छोला सबसे बेहतरीन, छोले की सब्जी लगी, छोले की सब्जी बेहतरीन थी। तो ये अभी वापस आ गए हैं होटल में, अब बस रेस्ट कर रहे हैं, काफी थकान हो गई पैदल पैदल इधर उधर घूमते हुए, मेट्रो स्टेशन पे भी काफी देर घूमते रहे। बाकी आपको कैसा लगा ये व्लॉग कमेंट जरूर बताना। वैसे इससे पहले हम चेन्नई में थे, चेन्नई की मेट्रो में भी ट्रैवल किया, वो मस्त एक्सपीरियंस था, वहाँ भी मतलब बहुत साफ सुथरी थी, यहाँ की भी काफी साफ सुथरी मेट्रो है, क्योंकि काफी टाइम से चल रही है लेकिन मेंटेन कर रखा है बढ़िया तरीके से। बात रही रोबोट की, तो रोबोट तो अभी कुछ है नहीं है भाई, इधर पे ऐसा ही है बस सीट, वो हवा ही चल रही है फालतू की। आपको कैसा लगा ये व्लॉग कमेंट में जरूर बताना। चलो मिलते हैं बहुत जल्दी एक और व्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय। भाई सोई हम 1-2 घंटे, उसके बाद निकलेंगे, नेक्स्ट ट्रेन है हमारी थोड़ी देर में।